ये वेबिनार वेबिनार क्या है, तो आप लोगों ने बहुत सुन लिया होगा वेबिनार वेबिनार वेबिनार। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल एक बंदे ने मुझे मैसेज किया ऑन व्हाट्सएप एंड उसने कहा कि सर ये वेबिनार क्या होता है। सो मैंने सोचा शिट, ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि वेबिनार क्या होता है, बिकॉज जो लोग अलग इंडस्ट्री के हैं, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है, उनको नहीं पता वेबिनार क्या होता है और वेबिनार से कैसे आप 1 लाख 2 लाख या 1.5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में वेबिनार के अंदर जाऊंगा कि वेबिनार को कैसे किया जाता है और आप कैसे वेबिनार को होस्ट कर सकते हो एंड कैसे आप इससे अर्निंग कर सकते हो। तो पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज एक किसी एक बंदे के साथ जरूर शेयर करना, चाहे अपने फेसबुक वॉल पे डाल देना, चाहे व्हाट्सएप में किसी एक बंदे के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइज चलते हैं यहाँ स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे वेबिनार से काफी अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हैं। तो यहाँ सो दोस्त वेबिनार होता क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, राइट। देखो ऑफलाइन में जब आप कहीं पर जाते हो फॉर सेमिनार, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं सेमिनार, ठीक है, किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए, किसी भी मीटिंग के लिए, तो उसको बोलते हैं सेमिनार। वैसे ही क्या होता है अगर ऑनलाइन आपको कोई मास्टर क्लास दी जाती है या आप कोई मास्टर क्लास अटेंड करते हो यहाँ, या आपको कहीं पर नॉलेज दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं वेबिनार। अब वेबिनार का फॉर्मूला क्या होता है और आप इससे कैसे 1 लाख 2 लाख रुपए अर्न कर सकते हो। देखो वेबिनार करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वेबिनार जैम है, जूम है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बट मैं जो आपको बोलूंगा यूज करना चाहिए दैट इज कॉल्ड जूम, बिकॉज जूम बहुत अच्छा है, आप इजिली उसका यूज कर सकते हो एंड बहुत मतलब एक कोई भी न्यूबी उसको इजी हैंडल कर सकता है, ZOOM जूम, ठीक है, जब गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब होता ये कि इस वेबिनार में लोगों को इन्वाइट किया जाता है थ्रू लिंक। जब आप जूम में रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां पर आपको एक इनविटेशन लिंक मिल जाएगा, ठीक है, ये फ्री में भी होता है, जैसे अगर इसके फ्री प्लान्स होते हैं, अगर फ्री प्लान आप यूज करोगे तो उसमें आप फ्री से 40 मिनट्स के वेबिनार कर सकते हो एंड 100 लोगों को ऑनली इनवाइट कर सकते हो, बट अगर आप इसको पेड करोगे तो वहां पर आप बहुत ज्यादा इसकी लिमिट बढ़ा सकते हो, बट डिपेंड करता है आप कितना पैसा इसके साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब कितना इनको पे कर रहे हो। अब ये इतना ज्यादा इफेक्टिव क्यों होते हैं गाइस, देखो सबसे पहली चीज कि जो भी वेबिनार करता है, चाहे मैं कर रहा हूं या आप करोगे अपने बिजनेस के लिए, तो उसमें सबसे पहले एक चीज आती है दैट इज कॉल्ड वैल्यू। आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देनी होती है अपने वेबिनार के लिए और सबसे ज्यादा काम वेबिनार में यही होता है कि वैल्यू वैल्यू एंड वैल्यू। दूसरी चीज, लोग आपको वहां बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं बिकॉज वो बहुत लंबा टाइम आपके साथ बिताते हैं, लंबा टाइम मतलब कि 1 घंटे 2 घंटे वो आपके साथ बिताते हैं और आपको विजुअलाइज मतलब देख पाते हैं वेबिनार में, मतलब कि एक आमने सामने का रिलेशन बिल्ड होता है, ठीक है, तो रिलेशन बिल्डिंग। तीसरी चीज देखो वेबिनार दो तरह से होते हैं, ठीक है, एक पेड होते हैं एक फ्री होते हैं। अगर आपको बहुत लंबा गेम प्ले करना है तो आप फ्री वेबिनार करो। वाई? क्योंकि देखो फ्री वेबिनार में लोग इजी ज्वाइन हो जाते हैं कि आपको अगर वो जानते भी नहीं है तो अगर आप उनको कुछ फ्री में ऑफर करोगे तो वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। अगर वहीं आप पेड में जाते हो तो पेड में आप वेल नोन पर्सनालिटी होने चाहिए कि आपका बहुत अच्छा नाम है मार्केट में, देन आप पेड करोगे तो लोग आपके वेबिनार में आएंगे, अदरवाइज बहुत कम लोग आपके वेबिनार में आएंगे। होता ये है कि वेबिनार के टाइम जैसे कि आपने रजिस्टर कराया है 500 लोगों को, अब 500 में सिर्फ 100 लोग आएंगे, हो सकता है कि 150-200 आए, रेयर बता रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है 500 में 400 भी आ जाए, बट बहुत कम लोग आते हैं वेबिनार में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप वेबिनार का सोचो तो वो आप फ्री में करो, राइट, बहुत ज्यादा आपको अच्छा खासा उसका बेनिफिट नजर आएगा। अब गाइस जब आपने उनको फ्री में इनवाइट कर लिया है, इनवाइट करके उनको बुला लिया है, तो आप का जो सबसे मेन गोल रहता है वो रहता है वैल्यू। वैल्यू दोगे आप तो लोग आपके साथ टिके रहेंगे। अब मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ रिलेशन बिल्डिंग हो जाती है और वैल्यू आप देते हो तो लोगों का एक काफी अच्छा खासा ट्रस्ट आपके ऊपर बन जाता है। अब होता क्या, देखो मेन गेम यहां से स्टार्ट होता है। जब ये चीजें हो जाती हैं तो जो भी आपका बिजनेस है, मान लो मैं एफिलिएट मार्केटिंग में हूं तो मैं कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहता हूं, देखो पहले बता दे रहा हूं आपको ज्यादा प्रोडक्ट प्रमोशन पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है किस चीज पे, वैल्यू में, बिकॉज बंदा किस लिए आया है, सीखने के लिए। जो भी आपने कहा था कि मैं एक वेबिनार कर रहा हूं जिसमें मैं सिखाऊंगा कि हाउ टू डू वेबिनार, ठीक है, तो बंदा क्या करने आया है, सीखने आया है कि भाई वेबिनार कैसे करते हैं, तो उसको पहले वो चीज सिखाओ।
फिर उसके बाद लास्ट में 5 मिनट 10 मिनट लोगों को अपना जो भी आपका बिजनेस है, मान लो आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो, लाइक आप एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहे हो, ठीक है, तो अब उनको लास्ट में आप बताओ कि भाई मेरा एक एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है जिसमें मैं ये बेनिफिट दे रहा हूँ, एंड देन वो लोग जितने भी लोग आपका जूम में वेबिनार अटेंड किए होंगे उनमें से अगर 100 लोग भी अटेंड किए हैं उनमें से सिर्फ आपके साथ 5 और 10 लोग ही ज्वाइन करेंगे आपके प्लान को। अब मान लो आपका जो सिस्टम है वो आपने जो जो भी आपने बनाया है, जो भी बिजनेस बनाया है, सिस्टम बनाया है, अपना कोर्स बनाया है, वो 10,000 रुपए का है मान लो, ठीक है, ये 5,000 का भी हो सकता है या तो उससे कम भी हो सकता है, लेकिन ये मानते हैं अपन कि 10,000 का है। तो सिर्फ 5 लोग भी कन्वर्ट हो रहे हैं तो आपकी अर्निंग कितनी होगी? 50,000 रुपए। और अगर आपने वही चीज 5,000 रुपए का आप सेल कर रहे हो तो आपकी अर्निंग कितनी हो गई? 25,000 रुपए। तो अगर आप हफ्ते में एक वेबिनार भी करते हो, कितना? एक वेबिनार भी करते हो तो आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है? 25,000, और महीने में 1 लाख रुपए शुद्ध। और मैं बता दूं वेबिनार एक ऐसी चीज है जहां सबसे ज्यादा कन्वर्जन मिलता है। और हाँ, अब मान लो आपका खर्चा कितना आ सकता है, इन्वेस्टमेंट कितना आ सकता है, अगर आप जूम में प्लान लेते हो तो वो $20 से काफी अच्छा खासा प्लान स्टार्ट हो जाता है जिसमें आप 500-600 लोगों को इनवाइट 500 लोगों को इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। तो $20 ये हो गया, और आई थिंक एक लीड का जो मेरे को पड़ता है वो 7 से 10 से 12 रुपए तक पड़ता है एक लीड का, मतलब कि एक बंदे को इन्वाइट करने का, ठीक है। तो अब मान लो लेके चलते हैं 15 रुपए, लेके चलते हैं एक बंदे को इनवाइट करने का 15 रुपए लेके चलते हैं ओवरऑल, ठीक है। आपको इनवाइट कितना करना है? 500 बंदों को आपको इनवाइट करना है, तो इनटू 500 कर लो तो आपका कॉस्ट आया 7,500 रुपए। मतलब कि मान के चलो आपको ये बिजनेस करने का, मतलब स्टार्ट करने का जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपए हो सकता है जब आप 500 लोगों को फर्स्ट टाइम में इनवाइट करोगे। तब अगर आप चाहो तो 50 और 100 लोगों को भी फ्री में अपने सोशल मीडिया से इनवाइट करके स्टार्ट कर सकते हो, जहां आपका कॉस्ट सिर्फ उतना ही आएगा जितना आप जूम में पे करोगे जूम को लेने के लिए, वो वेबिनार प्लेटफॉर्म लेने के लिए। तो आप इस कॉस्ट को भी घटा सकते हो अपने सोशल मीडिया का यूज करके। पर हाँ, आपको ये आना चाहिए कि सोशल मीडिया पे कैसे लोगों को बुलाते हैं, कैसे लोगों को इनवाइट करते हैं वेबिनार के लिए, तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि हाउ टू डू सोशल मीडिया मार्केटिंग, बिकॉज आप फ्री में लोगों को इनवाइट करना चाह रहे हो। तो दोस्त आपको ये जरूर सीखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की कैसे जाती है। तो अगर आपको समझना है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती कैसे और कैसे आप इस चीज को फ्री में इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो नीचे नीचे एक लिंक आपको मिलेगी, जाओ क्लिक करो। वेबिनार कर रहा हूं मैं फ्री में आप लोगों के लिए, टोटली फ्री वेबिनार फॉर यू गाइस। अगर आपको सीखना है कि कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग की जाती है, कैसे ऑर्गेनिक मार्केटिंग की जाती है, तो नीचे एक लिंक होगी वेबिनार की, फ्री वेबिनार की, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड रजिस्टर करो, बिकॉज 221 स्पॉट्स हैं ओनली। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों के साथ इस वेबिनार को शेयर करो, और ज्यादा जरूरत नहीं है कुछ और शेयर करने की, जस्ट इस वीडियो को क्लिक करो और लोगों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि आप उनके लाइफ में कुछ वैल्यू कंट्रीब्यूट कर सकते हो बिना कुछ काम किए। यस गाइस, आपको कुछ काम नहीं करना है, काम मुझे करना है, बस आपको ये वीडियो को शेयर करना है, और आप भी सीखोगे और आपके दोस्त भी सीखेंगे कैसे वेबिनार करके कभी भी कहीं से भी अर्निंग की जा सकती है, बिकॉज आपको चाहिए एक इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप ओनली एंड नथिंग। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको एक थम्स अप दे दो, नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दो, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और नए मेहमानों के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, जय हिंद।